देख सकते हैं जेसीबी की ड्राइवर सीट बैठ चुके हैं भाई। देखिए फ्रेंड मिट्टी नहीं खोद पा रहे हैं कि हम लोग पहले बचपन में जो भैंसे होती हैं तो साथ में चराया कर सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय आनी ब्लॉग। सो कैसे हो सभी, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड आप ये देख के जाने गए होंगे मैं कहाँ पर हूँ। तो फ्रेंड अभी शाम हो चुकी है और मैं आया हूँ यहाँ शाम अपने खेत साइड, क्योंकि फ्रेंड आज हमारे खेत में चल रही जेसीबी, क्योंकि हम लोगों को जो है हमारा खेत जो उसको बराबर करवाना है। और जो जेसीबी वाला है फ्रेंड बता दूँ कि वो हमारा बुआ का ही लड़का है और वो चला रहा है जेसीबी, तो मैं भी चला के देखूँगा कैसा क्या होता है, चला पाता हूँ कि नहीं चला पाता। तो फ्रेंड ब्लॉग बहुत मज़ा आने वाला, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और मेरे साथ सुभाष भी आया है, देख सकते हैं बैठा है, और हम लोग बाइक से आए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी हम लोग फिंगर लेके आए थे, फिंगरिंग और खाए हैं, और इसके बाद में अब जाता हूँ जेसीबी में बैठता हूँ और देखता हूँ चला पाता कि नहीं चला पाता, और आगे का जैसे भी एक्सपीरियंस होता है आप सभी को दिखाऊँगा। तो मैं अब आपसे आगे भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे चल रही जेसीबी जो हमारे बुआ का जो लड़का है वही चला रहा है, और वहाँ पापा टहल रहे हैं, और दूसरी साइड हमारी बाइक खड़ी है, और ये देख सकते हैं बोर है जहाँ मैंने एक दो ब्लॉग बना भी चुका हूँ। और ये फ्रेंड हमारा इधर तक जितने दूर तक दिख रहा है फ्रेंड ये सब हमारा ही खेत है। तो फ्रेंड इसको जो है हम बराबर करवा रहे हैं, देख सकते हैं ये खेत डाँडी है तो इसको बराबर करवा रहे हैं, और कुछ इधर भी खुदाई हुई है, और ये जो पेड़ है ये भी बाहर के फेंका गया है। और फ्रेंड आगे चल के मैं उससे मिलाता हूँ जैसा भी होता है। तो फ्रेंड आज हमारा भाई जेसीबी चलाएगा, ये देखिए आज जेसीबी बैठा हुआ है, जो जेसीबी ड्राइवर है आज इनको सिखाएगा जेसीबी, और ये जेसीबी चलाना सीखेंगे। ये देखो जेसीबी कैसे खोद रही है, आज ये सब सिखाएंगे। ये देखो कैसे वहाँ पे बैठे हुए हमारे भाई, ये देखो। सो फ्रेंड ब्लॉगिंग के साथ साथ आज हमारे भाई अपने खेत को बराबर करवाने आए हैं, और जेसीबी में देखिए जेसीबी चल रही है, और जेसीबी में बैठे हुए हैं भाई, और जेसीबी भी चलाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, और जेसीबी सिखाएंगे ड्राइवर साहब उन्हें, और उन शौक है जेसीबी सीखने का, तो आज सोचा ब्लॉगिंग करते हैं। तो मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो कह दो ना हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना बात में खो लेना। ओ मेरी हेर हो ना खफा, ओ मेरी हेर जलना रुला ना कर आफरा, लबरेज करना आप जा। दिल मेरा कुवारा, दिल मेरा कुवारा, दिल मेरा कुवारा, दिल मेरा। ये भाई का स्टाइल है हमारे, ये देखो ये। अब भाई हमारा जेसीबी चला रहा है, अब देखो देखो अब... देखो चला पाते नहीं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड देख सकते हैं जेसीबी की ड्राइवर सीट बैठ चुके हैं भाई, और अब जेसीबी चला रहे हैं। देख देख देखता हूँ कैसे चला रहे हैं, मुझे डर लग रहा है चलवाई भी है। देखिए चला पाते नहीं है, देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं चलाने की। ये क्या स्टाइल है भाई के चलाने का, बड़ा हरामी हो बेटा। ये देखो चला नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं बार बार चलाने की बट नहीं चला पा रहे। ये देखो दूर खड़ा हो मैं डर के मारे कहीं मेरे ऊपर न सूपड़ा मार दे। ये देखो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सीखने की। ये देखो ये खुद ये देखिए ये भाई कोशिश कर रहा है बार बार चलाने के लिए कि उनसे नहीं बन पा रही, चलाना नहीं बन पा रहा है उनसे। ये देखो सूपड़ा तना लिया, आप देखो नीचे नीचे ला रहे हैं। ये देखो ये देखो कितनी खुद, ये देखो
दिल मेरा कुवारा, दिल मेरा कुवारा, दिल मेरा कुवारा, दिल मेरा जो गाए। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी राते कर दे तू पूनम की उजे यारी जान मेरे, फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी राते कर दे तू पूनम की उजे यारी जान मेरे प्राण मेरे, आगाज कर उनवान दे अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान। फ्रेंड अभी चला रहा है जैसे भी और ये खेत जो है बराबर कर रहा है और मैंने उसको बुलाया है आ रहा है उतर के और वो जो उसका कंडक्टर उसको दे दिया है आजा। और भाई साहब कहाँ है यहाँ कहाँ जा रहा भाई भी चला पी हूँ कि नहीं भाई भी चला पी हूँ ये चला दिया। तो फ्रेंड ये है हमारे बुआ का लड़का जो एक जेसीबी ड्राइवर हो चुका है और एकदम पायलट हो चुका है पूरा एकदम सब अच्छे से चला लेता है और अभी जो है हम लोग ये पूरा कटवा जो है बराबर करना है। और फ्रेंड बता दूँ कि थोड़ा शर्मा रहा है क्योंकि कैमरा के सामने पहली बार आया है तो शर्मा रहा है। फ्रेंड जो बुआ का लड़का हमारे गाँव में रहता था मतलब इसके मामान में के रहता था और हम लोग मतलब बचपन में यार बहुत साथ रहे हैं समथिंग अभी तक रहे हैं 2-3 साल तक साथ ही रहे हैं और लाइफ फ्रेंड पता नहीं कैसे करा देती है। हम लोग हमने कभी नहीं फ्रेंड सोचा था कि ये कभी एक जेसीबी ड्राइवर बनेगा और मैं एक यूट्यूबर बनूंगा और आज भी बैठा है। बता दूँ फ्रेंड कि हम लोग पहले बचपन में जो भैंसें होती हैं तो साथ में चराया करते थे और ये जो सीन है ना फ्रेंड तो हम यहीं पे मैं और ये बचपन में यहीं पे चराया करते थे भैंसे और जो बकरियां होती जो गांव में छेरी बोलते हैं उसे वो भी हम लोग दोनों साथ में चराते थे और बहुत ही मज़ा आता था बचपन का। और फ्रेंड जब हम ये मतलब मैं जब मिलते हैं तो फ्रेंड बचपन की बहुत याद आती है यार कि बचपन की ज़िंदगी कितनी बढ़िया थी एकदम मस्त मज़ा आता था ना कोई टेंशन ना कुछ भाई ना घर की कोई दिक्कत ना कहीं एकदम मस्त। अब साली क्या बताएं यार एकदम लाइफ हम लोगों की उलझ की रह गई। अब ये भाई पता नहीं कहाँ रहता है हम कहाँ रहते हैं। अभी इसको बुलाया था थोड़ा खेत बराबर कराना था तो इस वजह से आया था नहीं फ्रेंड पता चल रहा कि हम एक एक साल नहीं मिलते यार। और पहले बचपन में था कि हम लोग साथ ही रहते थे साथ ही पढ़ते थे साथ ही यार खाना खाते थे जैसे भी और फिर आज भी है हम लोग जब आते हैं खाना खाते तो हम लोग साथ ही में खाना खाते हैं आज भी। और बस ये मिलता था यार फ्रेंड बताऊँ बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं यार। और बस फ्रेंड अब आज का ब्लॉग अभी यहीं तक रखते हैं और फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा मज़ा आया होगा। और फ्रेंड ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना कमेंट करना और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और फ्रेंड मेरे चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।